नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करके COVID-19 के इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं। तो हम एक एक करके प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। ये हम नेति का अभ्यास करेंगे। पहले नेति के लिए एक स्पेशली डिजाइंड पॉट होता है जिसमें मैंने ल्यूक वार्म वाटर लिया हुआ है, थोड़ा सा और ले लेता हूँ, और इसमें मैंने थोड़ा सॉल्ट मिलाया हुआ है। सॉल्ट की मात्रा, पहले से भी थोड़ा सॉल्ट मिलाया था इसलिए अभी थोड़ा सा डाला है। सॉल्ट की मात्रा 1 से 2% होती है, यानी कि 1 लीटर पानी में आप 10 से 20 ग्राम सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं। वो सॉल्ट लेने के बाद आपको खड़े हो जाना है अपनी जगह पर और अपने राइट हैंड में इस पॉट को इस तरीके से होल्ड कीजिए। किसी एक नॉस्ट्रल से इसके इस पॉइंट को टच कराना है, आपके गर्दन को थोड़ा सा टिल्ट करना है, मुंह को खुला रखना है और सांस को लेते छोड़ते रहना है मुंह से, और फिर पानी अपने आप दूसरे साइड से बाहर आएगा। इसके बाद आगे झुककर इस तरीके से कपाल भाती की तरह नॉस्ट्रिल्स को साफ कर लेना है। ये पानी को थोड़ा वार्म रखते हैं और उसमें सॉल्ट मिलाते हैं ताकि जो म्यूकस है अपने नॉस्ट्रिल्स में उसको अच्छे से डिसॉल्व किया जा सके, और म्यूकस के साथ ही जो वायरस का लोड है नॉस्ट्रिल्स में वो भी नॉस्ट्रिल से बाहर आ जाता है। दूसरा हम कर सकते हैं नस्य। नस्य के लिए ये नेति के बाद करना ही अच्छा होता है। नस्य के लिए एक ड्रॉपर में आप गाय का घी ले सकते हैं, तो गाय के घी को नॉस्ट्रिल में इसमें आप ड्रॉपर में ले लीजिएगा और अपने हाथ से ही आप कर सकते हो। कोई दूसरा भी मदद कर सकता है, लेकिन चूंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है इसलिए मैं खुद से ही इसको अपने नॉस्ट्रिल्स में डालता हूं। इस तरीके से आप नस्य का अभ्यास कर सकते हैं। तो आपकी नेति करने के बाद जो नॉस्ट्रिल्स में ड्राइनेस आएगी, ड्राइनेस से भी आपको थोड़ी तकलीफ, इचिंग जैसा हो सकता है, तो अगर आप ये गाय का घी नॉस्ट्रिल्स में डालेंगे तो अपने आप उसकी ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। इसके और भी कई सारे फायदे हैं जैसे नींद बहुत अच्छा आना, लेकिन अभी हम उसकी चर्चा इतनी ही करेंगे। दूसरा, इसके बाद नस्य करने के बाद जो थोड़ी बहुत अमाउंट घी की या ऑयल की आपके नॉस्ट्रिल्स में आ जाती, आपके थ्रॉट में आ जाती है, उसके लिए हम गार्गल करते हैं। तो हम एक गिलास एक पानी लेते हैं, पानी में पानी थोड़ा वार्म वाटर लेते हैं और उसमें हम टर्मरिक आधा चम्मच और वैसे ही थोड़ा सा सॉल्ट लेते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हम थ्रॉट क्लिंजिंग करेंगे। इस पानी से हम गार्गल करते हैं। गार्गल करने के लिए पानी की थोड़ी सी मात्रा को अपने गले में लेना है ऐसे 6 से 7 बार गार्गल करेंगे, जिससे कि आपका थ्रॉट क्लीन होगा। वहां पर वायरस का अगर लोड आता है
तो वो भी धीरे धीरे क्लीन हो जाएगा। इसके बाद कुछ अच्छी रेसिपीज हैं जो हम देख सकते हैं। ये हर्बल टी है, हर्बल टी मैंने बनाई हुई है। इसके इंग्रेडिएंट्स को मैं आपको समझा देता हूँ। ये लेमन ग्रास है, ये आप अपने घर पे गमले में लगा सकते हैं, इसको सिट्रोनेला भी बोलते हैं। ये तुलसी है, इंडिया में लगभग सभी घरों में होती है। ये पुदीना या मिंट लीव्स हैं, ये भी आप अपने घर पे लगा सकते हैं, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। इन तीनों चीजों को पानी में डाल के अच्छे से उबालते हैं। एडिशनली आप उसमें ये जैसे ब्लैक पेपर रखा हुआ तो ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं, आप टर्मरिक ऐड कर सकते हैं, और आप चाहे तो थोड़ा सा स्वीटनेस के लिए हनी या फिर जैगरी उसमें ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी हर्बल टी आपकी सवेरे के लिए बन जाएगी। तो रेगुलर टी की जगह आप इस हर्बल टी का सेवन दिन में दो बार करें, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वायरस से फाइट करने में और आपकी लंग्स की हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ साथ इस गिलास में वो पानी है, मैं इसे फेंक देता हूँ। जो लोग हमारे फील्ड पर काम करते हैं, जो भाई हमारे फील्ड पर काम करते हैं, जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं और पुलिस में काम करने वाले लोग हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए उनको क्या करना चाहिए कि हल्दी और उसमें थोड़ा पानी, इसे मैं ले लेता हूँ, थोड़ा बना के दिखाता हूँ। ये मैंने पानी लिया, इसमें थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच जैसी, ये थोड़ा पानी है इसलिए मैं थोड़ी हल्दी ले रहा हूँ, और उसमें ही एक चम्मच हनी। तो ल्यूक वार्म वाटर में हनी और टर्मरिक को इस तरीके से मिक्स करके अब दिन में 5 से 6 बार एक एक गिलास, जब आप फील्ड पे काम करते हैं तो लेते रहें। ये आप जानते ही हैं कि हल्दी बहुत अच्छा एंटीबायोटिक और एंटीवायरल भी है। साथ में जो हनी हम इसमें ऐड करते हैं उसकी वजह से पानी का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, और हनी म्यूकोलाइटिक है तो अपने गले में थ्रॉट में जो म्यूकस है उसको डाइल्यूट करके स्टमक में ले जाता है। तो स्टमक में आप जानते हैं कोई भी वायरस या बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता है स्टमक एसिड के कारण। तो जो फील्ड पर काम करने वाले हैं जिनको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन आए, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, उसको पालन कर सकते हैं। और साथ साथ जो फील्ड वर्कर्स हैं जो धूप में गर्मी में काम कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से एक और हेल्थ ड्रिंक बनाई है। तो ये हेल्थ ड्रिंक हमें कैसे बनाना है, हमें थोड़ी सी वरियाड़ी और धनिया इन दोनों को पानी में भिगो देना है करीब 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद उसे अच्छे से क्रश करके उसमें थोड़ा हनी ऐड करके, और ये आपकी बहुत अच्छी ड्रिंक तैयार हो जाएगी। तो आपको दिन में 1-2 गिलास अगर आप इसको लेंगे तो आपके शरीर को ठंडा रखेगी, टेम्परेचर मेंटेन रखेगी ये ड्रिंक। साथ साथ इस ड्रिंक से हाइड्रेशन आपका अच्छे से मेंटेन होगा, पानी की कमी नहीं होगी। जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, मौसम भी बहुत गर्म हो रहा है तो डिहाइड्रेशन की काफी समस्याएं आ रही हैं, और अगर आप हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करेंगे तो आपको जो फिजिकल टाइर्डनेस होती है, जो थकान आ जाए, हीट स्ट्रोक आ जाए, तो वो नहीं होगा। जब भी हमें टाइर्डनेस आती है उसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाता है तो हमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं या जो भी पुलिस में काम करने वाले हमारे भाई हैं या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करने वाले भाई हैं, वो अपने हाइड्रेशन का अच्छे से ध्यान रखें। शरीर में सही से पानी होना चाहिए, इसके लिए हल्दी और टर्मरिक और हनी का जो हमने ड्रिंक बनाया है ये बहुत अच्छा है। साथ साथ ये वरियाड़ी का और धनिया का जो ड्रिंक बनाया है ये भी बहुत अच्छा है। ये दिन में कई बार लेते रहें ताकि उनका इम्यून सिस्टम किसी भी तरीके से डाउन ना होने पाए और उन्हें इन्फेक्शन के मिनिमम चांसेस रहें। और सुबह सुबह ये नेती, गार्गल और हर्बल टी, इतना काम अगर आप करते रहेंगे तो आप काफी हद तक आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपके लिए ये जानकारी बहुत उपयोगी रही होगी, इसका पालन करें। थैंक यू वेरी मच।